हाय गाइस, वेलकम बैक टू एसएल लाइव। दिस इज सचिन कपूर। आज का ये वीडियो होने वाला है 2022-23, बल्कि मुझे तो कहना चाहिए 2015 ऑनवर्ड्स, एक बहुत ही पॉपुलर फ्रंट एंड लाइब्रेरी के बारे में जिसका नाम है रिएक्ट जेएस। आई डोंट थिंक रिएक्ट जेएस को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत है। फ्रेंड्स, अगर आपने कोई भी पॉपुलर वेब एप्लीकेशन यूज करी है तो आपने रिएक्ट जेएस को यूज करा है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपने इंस्टाग्राम का वेब यूज करा है तो आपने रिएक्ट यूज करा है, इंस्टाग्राम रिएक्ट पे बेस्ड है। अगर आपने व्हाट्सएप वेब यूज करा है, रिएक्ट यूज करा है। कभी कुछ पढ़ने के लिए आपने यूडेमी ओपन करा है, यूडेमी रिएक्ट पे बेस्ड है। नेटफ्लिक्स पे अगर आपने कोई वीडियो वगैरह देखा है, वेबसाइट की बात कर रहा हूं ऐप के नहीं, तो नेटफ्लिक्स बेस्ड है ऑन रिएक्ट। और तो और, फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स जायंट ने भी आप अपने पेजेस डेवलप करनी है ऑन रिएक्ट जेएस। तो रिएक्ट काफी पॉपुलर यूआई लाइब्रेरी है, फ्रंट एंड लाइब्रेरी है जो जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड है। और बनाया किसने इसको? बनाया इसको फेसबुक ने है। और मजेदार बात, ये सबसे यंग लाइब्रेरी है। 2013 में फ्रेंड्स ये लॉन्च हुई है, 2023 में आप नोटिस करिए इसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ आसमान छू रहा है। यानी अगर आप टेक्निकली नोटिस करें, रिएक्ट इतनी पॉपुलर है और अपने कॉम्पिटिटर्स से इतनी आगे है कि रिएक्ट के डाउनलोड सबसे ज्यादा है, रिएक्ट में जॉब ओपनिंग सबसे ज्यादा है। अब रिएक्ट इतनी पॉपुलर क्यों है, उसका प्राइमरी रीजन ये है, रिएक्ट एक बेहद फास्ट लाइब्रेरी है। मतलब आप अपने वेब पेज में अगर रिएक्ट यूज करते हैं तो आपके वेबसाइट का जो रिस्पांस टाइम है, जो यूआई इंटरेक्शन टाइम है, वो बहुत बहुत कम हो जाता है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाते हैं कि रिएक्ट इतनी पॉपुलर कैसे हो गई। तो फ्रेंड्स, जब वेब डेवलपमेंट अपने इनिशियल स्टेजेस में था, तब कुछ भी नहीं था, सिर्फ एचटीएमएल थी, बहुत बेसिक बेसिक पेजेस बना करते थे। मैं बात आपसे 90s की एरा की कर रहा हूं, जिसमें पेज पे बस टेक्स्ट दिखता था, एक आध कुछ इमेज वगैरह दिख जाती थी। तो आपको किसी प्रोडक्ट को अगर मार्केट करना था तो उसका टेक्सचुअल डेटा ही बहुत ज्यादा होता था, उसमें कुछ बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव आपकी वेबसाइट नहीं दिखती थी। फिर वेबसाइट को अट्रैक्टिव फॉर्म बनाता है। अगर आप वेब डेवलपमेंट में हैं तो आप जानते होंगे ये काम करती है सीएसएस। सीएसएस भी 90s में आई और सीएसएस के आने के कारण वेबसाइट का लुक एंड फील थोड़ा सुंदर होने लगा। लेकिन अभी भी वेबसाइट्स में कमी थी। क्या कमी थी? वेबसाइट्स इंटरैक्टिव नहीं थी। यूजर कहीं पे क्लिक करे, साइट उसका कोई रिस्पांस दे, ये नहीं हो पाता था। इस कमी को पूरा करा जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज ने। जावास्क्रिप्ट भी 90s की लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट जब आई तो वेबसाइट थोड़ा सा इंटरैक्टिव, थोड़ी सी डायनेमिक होने लगी। बट फ्रेंड्स, एक दिक्कत जाती थी इनिशियल डेज में वेबसाइट्स के बनाने में। प्रॉब्लम यह जाती थी कि जब 2000 का अर्ली स्टेज चल रहा था, 2002-3-4 ये सब बोल रहा हूं मैं, इस जमाने में जब वेबसाइट्स बनती थी तो मल्टीपेज वेबसाइट्स होती थी। मल्टीपेज समझते हैं, अगर एक वेबसाइट के अंदर 5 तरह के कंटेंट दिखाने हैं तो 5 तरह के पेजेस बनाए जाते थे। लॉगिन का पेज अलग होता था, रजिस्ट्रेशन अलग होता था, कॉन्टैक्ट का पेज अलग होता था, सारे पेजेस अलग अलग होते थे। दिक्कत ये जाती थी कि जब यूजर एक पेज से दूसरे पेज पे जाता था, पूरा डेटा पुल करा जाता था सर्वर पे, स्पीड भी उतनी अच्छी नहीं होती थी उस जमाने में इंटरनेट की, और उस कारण से डेटा पुल करने में बहुत टाइम लगता था, यूजर को बहुत वेट करना पड़ता था पेज का कंटेंट रिफ्रेश होने में। तो फेसबुक हुआ, गूगल हुआ, इन लोगों ने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा करा जाए कि हमारे वेब पेज का सिर्फ उतना ही पोर्शन चेंज करा जाए जितना यूजर को दिखाने के लिए जरूरी है, क्योंकि बाकी सेक्शन तो वेब पेजेस के सेम रहते हैं। बाकी सेक्शन समझ रहे हैं, हेडर, साइड बार्स, फुटर, ये जनरली वेबसाइट में देखेंगे सेम रहेगा, जो बदलता है वो सिर्फ बीच का कंटेंट बदलता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम था सिंगल पेज एप्लीकेशन, शॉर्ट में जिसको आप बोलते हैं स्पा। गूगल ने इसको इंप्लीमेंट करा वाया एंजुलर, जिसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जीमेल, और फेसबुक ने इसको इंप्लीमेंट करा अपनी लाइब्रेरी से जिसका नाम है रिएक्ट जेएस। तो फेसबुक जब रिएक्ट जेएस लेकर आई, फेसबुक ने अपनी साइट के अंदर रिएक्ट जेएस को इतने अच्छे से यूज करा कि आप अब नोटिस करते होंगे जब आप फेसबुक को स्क्रोल करते हैं, कभी भी फेसबुक सर्वर से डेटा पुल करने में डिले नहीं करता है। आपके एक ही पेज में आपको नई नई पोस्ट दिखती जाती है, कभी आपको नेक्स्ट पे क्लिक नहीं करना पड़ता, कभी आपको नए पेज पे फेसबुक रीडायरेक्ट नहीं करता है। दैट इज द पावर ऑफ रिएक्ट। इसी तरह से अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो आप देखते होंगे नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं, आपको कभी भी नए कमेंट्स देखने के लिए किसी नए पेज पे नहीं जाना होता है, आप स्क्रोल करते जाते हैं और कमेंट्स पुल होकर आपको यूट्यूब के उसी पेज पे दिखते जाते हैं। तो नोटिस करिए सिंगल पेज एप्लीकेशन का कमाल है। और फेसबुक जैसी एप्लीकेशन, इंस्टा जैसी एप्लीकेशन, नेटफ्लिक्स, फ्लिपकार्ट, फ्रेंड्स, ये सब बेस्ड ऑन रिएक्ट जेएस। और अगर आप ट्रेंडिंग लाइब्रेरी की बात करें, अगर आप जाकर गूगल ट्रेंड्स पे चेक करेंगे तो आप देखेंगे रिएक्ट अपने कॉम्पिटिटर्स से, जैसा मैंने कहा, बहुत बहुत आगे है। रिएक्ट के नंबर ऑफ डाउनलोड्स ड्रास्टिकली बढ़े। और अगर मैं अकेले 2022 की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, अकेले 2022 की बात करूं तो 40% एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस जो बनी है वो रिएक्ट पे बेस्ड है। बहुत बड़ा अमाउंट होता है एक साल में 40% एप्लीकेशंस का एक टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होना। तो रिएक्ट जेएस इन थिंग है, ट्रेंडिंग थिंग है। और अगर आपको अपने करियर को बूस्ट करना है, वैसे भी आप देख रहे हैं रिसेशन का टाइम चल रहा है और ये बहुत बढ़िया टाइम है अपने आप को बूस्टअप करने का, अपने आप को अपस्किल करने का।
तो अगर आप इस समय में अपनी नॉलेज अपग्रेड करना चाहते हैं, मार्केट के साथ चलना चाहते हैं, आपको रिएक्ट जेएस जरूर सीखनी चाहिए। और इसीलिए एससीए एक बैच लेकर आ रहा है जो 10 फरवरी को रात को 9 बजे लाइव ऑनलाइन बैच होगा, जिसमें मैं वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा आपसे जो रिएक्ट को पॉपुलर बनाती है, जो रिएक्ट सीखने के लिए जरूरी है। आज जो मैंने आपको बातें बताई वो सारी फर्स्ट लेक्चर में मैं और डिटेल में बताऊंगा। तो अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो नीचे रजिस्ट्रेशन लिंक है, आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं फर्स्ट लेक्चर में 10 फरवरी को 9 बजे। सी यू।